किसानों के लिए निरंतर संघर्ष करने पर किसानों की ओर से किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का साफा बांध कर किया अभिनंदन। दो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया एवं कार्यकर्ताओं से एमएसपी के लिए दो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने का आग्रह किया। उस पर एमएसपी की खरीद की गारंटी के कानून बनाने के लिए भाजपा की ओर कार्रवाई करने की घोषणा की दिशा में सार्थक प्रयास के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री तक सुझाव देने के लिए प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन पहुंचाने के संबंध में वार्ता हुई। उनकी ओर से संकेत आने पर एवं उनके द्वारा पालना करने पर किसान पंचायत की ओर से दुदू विधानसभा में प्रत्याशी खड़ा नहीं करने पर सहमति दी। इसके लिए किसान महापंचायत की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं को 5 नवंबर तक का समय दिया गया। किसान महापंचायत ने इस प्रकार आश्वासन देने पर चुनाव नहीं लड़ने की बात पूर्व से ही व्यक्त की हुई है। दुदू विधानसभा में चुनाव लड़ने के निर्णय के लिए 11 सदस्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जगदीश नारायण खुड़ियाला, नंदलाल मीना, रामकिशोर दाधीज, डॉक्टर बलदेव महरिया, महावीर सिंह, रामकिशन के अतिरिक्त प्रदेश मंत्री बत्तीलाल बैरवा, हरलाल क्रांतिकारी, हरजी गठाला सहित किसानों में से अनेक गणमान्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। हाँ सर, आप बताइए आज का क्या मामला है मंडी पर? मैं जगदीश नारायण चौधरी, प्रदेश महामंत्री राजस्थान। डब्ल्यूजी एमएसपी की मांग ये 2010 से लगातार चल रही है और इसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आवाज पहुंच भी चुकी है और बड़े बड़े आंदोलन दूध सेक्टर ट्रोलियों से दिल्ली के जयपुर की पदयात्राएं, जयपुर के पांचों रास्तों से चौमू, रिंगस, दोसा, निवाई, दूधू इनसे करी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने बॉम्बे की यात्रा करी, जिसमें महागठबंधन को भी ज्ञापन दिया और नागपुर के अंदर हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके अंदर 14 स्टेट के लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। इसी को लेकर के आज हमने ट्रैक्टरों की रैली, ये एमएसपी गारंटी अधिकार यात्रा के लिए निकालना तय किया था, लेकिन आरएएस की परीक्षा और उधर पुलिस और प्रशासन की मजबूरी को देखते हुए और बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने ट्रैक्टर तो नहीं बुलाए, लेकिन तमाम लोग हम इसी बात का संदेश सरकार को पहुंचाने के लिए कि हमारा गारंटी कानून बढ़े और आचार संहिता लागू नहीं हो उससे पहले बढ़े, अन्यथा हम लोग एमएसपी का जो कानून बनाएगा सरकार जो हमारी मांगों की तरफ ध्यान देगी उसी के पक्ष में किसान महापंचायत मत और समर्थन देगी। धन्यवाद सर। आपके शुभ नाम? जगदीश नारायण चौधरी, प्रदेश महामंत्री, किसान महापंचायत राजस्थान। धन्यवाद।